गोली चली यहाँ पे, इसकी वजह से दुकानदार को लोग ये बोल रहे कि दुकानदार की वजह से चला। इतने सालों से कालू लामा लोगों को परेशान करता ही था, अब ना रहने पर भी लोगों को कर रहा है परेशान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, जीएन भारत कालू लामा से जुड़े सारे खबर को सबसे पहले दिखाने का वादा कर चुका है। आप भी सब्सक्राइब करके हमारा साथ देना ना भूले। गुरुवार को हुई गैंगवार में कालू लामा की हत्या हो गई थी, वहीं अब पुलिस कह रही है कि दुकानदारों की वजह से गोली चली है और दुकानों को 24 घंटे के अंदर बंद करने की आदेश जारी कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। परेशानी सर बहुत है, गरीबों को जानते सर परेशानी बहुत है। वैसे लॉकडाउन में सारे जूझ रहे हैं, गरीब क्या करेंगे। पहले लॉकडाउन में दुकानें बंद किया, अभी फिर एक और ठंडा कल शाम को बोल रहे 24 घंटे के अंदर बंद कर दुकानें। इतने इतने परिवार कहाँ जाएंगे, 300 दुकान है, 300 दुकान से पाँच पाँच परिवार सब जुड़े हैं। इतने अगर बेरोजगारी, अगर सरकार रोजगार दे नहीं सकती, अगर खुद रोजगार कर रहे हैं लोग तो उस पर भी लोग फंडा डाल रहे हैं कि दुकानें हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। क्यों हटाने की मांग है? हटाने की ये इसलिए मांग है, परसों गोली चली यहाँ पे, इसकी वजह से दुकानदार को लोग ये बोल रहे कि दुकानदार की वजह से चला। रोजी रोटी कमाने आप लोग क्या करने वाले? प्रशासन कुछ अपने पर नहीं ले सकता है। पुलिस का काम है कि यहाँ 24 घंटा पुलिस रहती है, वो देखना चाहिए उनको कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पुलिस ध्यान ये देती है कि कहाँ ठेला लग रहा है, कहाँ किससे पैसा वसूली करना है, ये देखती ज्यादा। अभी आप लोग का क्या मांग है? मांग ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि जो बात करे, क्या होना चाहिए, निर्णय यहाँ हटेगा नहीं, बस यही चाहते हैं कि किसी तरह कोई बात करके यहाँ रहे, हम लोग कमाएं खाएं जिए, बस यही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।